सवा लाख से एक लड़ जावा, चिड़िया ते में बाज तुड़ावा, तबे गोविंद सिंह नांग कहावा, तबे गोविंद सिंह नांग कहावा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के दसवें गुरु थे। उनका जन्म पटना साहब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान, संयम, क्षमता आदि के लिए जाना जाता है। उनके पिता गुरु तेज बहादुर की मृत्यु के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को वे गुरु बने। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा करते हुए बिता दिया और सच्ची राह पर चलते रहे। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को पूरा किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु प्रथा को समाप्त किया और कहा कि गुरु ग्रंथ साहब को सर्वोच्च माना जाए और उसकी पूजा की जाए। साथ ही गुरु गोविंद सिंह ने खालसा वाणी, वाहेगुरु का फतेह, वाहेगुरु का खालसा और वाहेगुरु की फतेह भी दी। खालसा पंथ की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों और उनके सहयोगियों से भी कई बार युद्ध लड़े। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने जी ने 1699 को वैसाख के दिन आनंदपुर साहब में की। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम पंच प्यारों को अमृत पान कराया और कराकर खालसा बनाया। तत्पश्चात उन पांच प्यारों के हाथों से अमृत पान किया और खालसा सिख धर्म के विधि पूर्वक दीक्षा प्राप्त अनुयायियों समूह के रूप के उन्होंने खालसा को पांच सिद्धांत दिए, जिन्हें पंच काकर कहा जाता है। पंच काकर का मतलब होता है का शब्द से शुरू होने वाली पांच चीज़ों से है, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांतों के अनुसार भी खालसा सिख को धारण करना होता है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सिखों के लिए पांच चीज़ें अनिवार्य कर दी। पहला तो केश, कर्ण, कृपाण, कंधा और कच्छ। इसके बिना खालसा देश पूरा नहीं माना जाता। गुरु गोविंद सिंह को कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, फारसी, पंजाबी और अरबी। गुरु गोविंद सिंह एक अच्छे लेखक थे, साथ ही साथ एक पवित्र आत्मा थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। उन्होंने सदा प्रेम, एकता और भाईचारा का संदेश दिया। अगर किसी ने उन्हें आहत भी किया तो उन्होंने भी सहनशीलता, मधुरता और संयम का प्रचार और प्रसार किया। तो आइए इस महान आत्मा को अपना नमन करें और कहें कि वाहे गुरु का खालसा और वाहे गुरु की फतेह।